भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2 मिशन 7 सितंबर को चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसको लेकर नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री डोनाल्ड ए थॉमस ने रविवार को कहा कि चंद्रयान 2 जब चंद्रमा पर लैंड करेगा तब नासा समेत पूरी दुनिया की नज़र उस पर रहेगी। बता दें कि चंद्रयान 2 पहला यान होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। वहीं नासा इस क्षेत्र में 5 साल बाद अपना अंतरिक्ष यात्री उतारने की योजना बना रहा है। इस मिशन को लेकर नासा समेत पूरी दुनिया भर की एजेंसियां उत्साहित हैं। डोनाल्ड थॉमस भारत में आए हुए हैं। वह कोयम्बटूर के पार्क कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम इससे पहले चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास लैंड कर चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब कोई दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। थॉमस ने कहा कि दक्षिणी ध्रुव हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि हमें यहाँ बर्फ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अगर हमें यहाँ बर्फ मिलती है तो हमें उससे पानी मिल सकता है, जिसके बाद हम उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। जब उनसे चांद की स्थिति को लेकर सवाल किया गया तो अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि चांद पर रहना बेहद मुश्किल है, वहाँ बेहद भारी मात्रा में रेडिएशन की मौजूदगी है। उन्होंने बताया कि दिन के समय वहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच जाता है, तो वहीं रात के समय तापमान 100 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। बता दें कि भारत का चंद्रयान 2 पहला यान है जो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा। इसकी सफलता के बाद भारत दुनिया में चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला चौथा देश बन जाए। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा की सतह पर लैंड कर चुके हैं।